हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। मनन सर के अन अकेडमी क्लास 7th के स्पेशल एक्सक्लूसिव सेशन में आपका वेलकम है। एनसीईआरटी सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे हमारी, है ना। इस सीरीज के अंदर वी डू ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी बुक, ठीक है, क्लास 7th की जो मैथ्स की बुक है। एंड हम आज करेंगे चैप्टर 2 कंप्लीट। हमारे 2.1 से 2.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो चुका है एंड वी विल बी डूइंग 2.5, 2.6 एंड 2.7 इन दिस लेक्चर ओनली। सो अगर आपको कहीं भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके 7th क्लास के टाइम अगर कोई डाउट आता है किसी भी एक्सरसाइज का, आप क्या करोगे, अन अकेडमी क्लास 7 के चैनल पे आओगे, ओके, प्लेलिस्ट में जाओगे एंड वहां पे आपको मनन सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यू विल स्क्रॉल डाउन एंड फाइंड द एनसीईआरटी के नाम से जो टॉपिक मिलेगा उसमें, जैसे मान लो आपको इंटीजर्स में डाउट आ गया तो एनसीईआरटी इंटीजर्स की क्लास ओपन करोगे, आपको जो एक्सरसाइज चाहिए वहां पे आप वीडियो को डायरेक्टली पहुंचोगे एंड अपने क्वेश्चन का डाउट देखा। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.2 में थर्ड नंबर का डाउट आपको आ गया, थर्ड क्वेश्चन में यू विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, डाउट देखा एंड अपनी स्टडीज में फिर से लग गए, ओके। आज हम कंप्लीट करेंगे 2.5, 2.6, 2.7, ये लास्ट एक्सरसाइज है। सो हमारी आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम थर्ड चैप्टर चालू करेंगे, ओके। सो I am a class 7 maths educator and I am from MBM Engineering College, Jodhpur. Manan sir ne GATE 2018 ka exam clear kiya hua hai with all India rank of 1173 and SSC CGL ka exam bhi clear kiya hua hai jo ki 2018 ka exam tha. Okay? Chaliye, aage badha jaye bachcho, agar aapko mere live session chahiye to aapko Unacademy class 7 channel pe Monday se Sunday aapko roz 12 baje live session mil jayega mera. And from for the Telegram channel, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है टेलीग्राम चैनल। आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं लाइक लाइव अपडेट्स फॉर द चैनल। इस चैनल के लाइव अपडेट्स जो भी होंगे, मतलब कि क्लासेस कब होने वाली है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो सब आपको मिल जाएंगे वहीं पे। आपको नोट्स मिल जाएंगे सेशंस के, इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ दिस सेशन, लेट्स से आप क्या करोगे वहाँ पे कि सर और मैम प्लीज़ प्रोवाइड मी द नोट्स ऑफ दिस सेशन, इतने बजे का ये वाली क्लास मुझे प्रोवाइड कर दो, वी विल प्रोवाइड यू ऑन द चैनल इटसेल्फ। इसके बाद बच्चों डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है टीम से, इफ़ यू वांट डायरेक्ट टू टॉक टू अस डायरेक्टली आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ओके। एंड व्हाट्स न्यू विद द अनअकैडमी, बच्चों अनअकैडमी का एक फीचर है आस्क अ डाउट। बच्चों आस्क अ डाउट इज कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल। कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल का मतलब क्या है कि ये डाउट आप अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अभी फ्री में यूज़ कर सकते हो, ओके। करना क्या होगा कि आपको अनअकैडमी की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने स्मार्टफोन में, यह सिर्फ फोन से हो सकता है आस्क अ डाउट एक्सेस, ठीक है। सो अनअकैडमी की एप्लीकेशन आपने खोली, आस्क अ डाउट फीचर पे क्लिक किया, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इधर यू कैन टेक अ पिक्चर, अगर बुक सामने पड़ी है तो फोटो ले लो, और यू कैन चूज फ्रॉम द गैलरी। गैलरी में अगर फोटो पड़ी है कोई क्वेश्चन की आपकी तो वहां से चूज कर सकते हो। मान लो आपने फोटो ली या फिर फोटो अपलोड की तो वहां पे एक क्वेश्चन, एक डाउट की जगह 4-5 क्वेश्चन आ गए एक साथ, तो आप क्या करोगे, यू हैव अ फीचर टू सेलेक्ट अ हाई क्रॉप और हाईलाइट अ सर्टेन क्वेश्चन। जैसे ये हाईलाइट कर दिया क्वेश्चन, फिर टिक करते ही ये क्वेश्चन आगे पहुंच जाएगा, आपसे बस इतना सा पूछा जाएगा कि ये मैथ्स का डाउट है या साइंस का डाउट है, ये आपको बताना पड़ेगा सिस्टम को। हाथों हाथ मैसेज आता है मैथ्स और साइंस में से चूज करना होता है। सो अगर मैथ्स का डाउट है तो यू विल क्लिक ऑन द मैथ्स एंड आपको थोड़ी सी देर के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा जिससे आपका डाउट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर, कम्प्लीटली क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं बचेगा। और बाय चांस मान लो इसके बाद भी डाउट रह गया, मान लो इतने बढ़िया फीचर के बाद भी डाउट रह गया, वैसे तो मुझे पता है मैंने खुद यूज़ करा, डाउट नहीं रहता, बट रह गया तो मेरी क्लास में आ जाना, ठीक है, सिंपल एकदम। एंड इसके अलावा फीनिक्स 2.0 प्रोग्राम अनअकैडमी लॉन्च किया है बच्चों, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर एक्सेलरेटर प्रोग्राम है ये। Unacademy is looking for India's next top educators and we seek your help in finding them. आपके घर में, नेबर्स में, रिलेटिव्स में, ट्यूशंस में या फिर स्कूल में कोई भी अगर Unacademy पे पढ़ाना चाहता है कोई टीचर, देन आप उनको बता सकते हैं कि हमारे कोई भी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Phoenix 2.0 फॉर्म के नाम से आपको फॉर्म मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, ये दे कैन ओपन दैट लिंक एंड फिल द फॉर्म। फॉर्म फिल करने के बाद Unacademy टीम विल रीच आउट टू दैम। इसके अलावा बच्चों इसके फीचर्स क्या है फिनिक्स के, तो बच्चों फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया एन इन डेप्थ फेज वाइज ट्रेनिंग होगी, बिल्कुल डेप्थ में ट्रेनिंग कराई जाएगी फ्रॉम द एक्सपीरियंस टीम। उसके अलावा डेडिकेटेड सपोर्ट मिलेगा उस टीम का जिसने ऑलरेडी बहुत सारे ऑनलाइन टॉप ऑनलाइन एजुकेटर्स बनाए हैं। इसके अलावा बेस्ट इन द इंडस्ट्री रिसोर्सेज मिलेंगे एंड दे विल लर्न फ्रॉम द आइकॉनिक एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, ओके।
चलिए सेशन चालू करते हैं बच्चों हमारा। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.5 चालू करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पहले मैं कराऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। मैं टाइम दे दूंगा, मैं वीडियो पॉज करने को बोल दूंगा उस टाइम पे, तो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस योरसेल्फ। ओके चलिए, 0.5 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0.05। देखो ये क्वेश्चन वैसे डाउट के होने नहीं चाहिए। जो नंबर फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा आ गया, यहाँ पे जीरो था, इसके टेंथ डिजिट के अंदर ये फाइव था, इसके टेंथ डिजिट में जीरो था, तो ये लिखा जाता है 5 × 1/10, ठीक है। ये लिखा जाता है 5 × 1/100, क्योंकि ये हंड्रेड्स पोजिशन पे है, हंड्रेड्स पोजिशन पे, ये टेंथ पोजिशन पे है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 5/10 होता, 5/10 होता है 5 पार्ट्स ऑफ 10, ये हो गया 5 पार्ट्स ऑफ 100, तो भाई ये वाला छोटा होगा, इसमें ये वाला सिंबल आएगा। 0.7, 0.5 में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। 7 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5, 0.7 ऑब्वियसली 0.5 से बड़ा ही होता है, फिर एक होल नंबर और एक डेसिमल, तो ऑब्वियसली 7 बड़ा होगा, ठीक है। 1.37, 1.49, देखो दोनों की यूनिट डिजिट सेम है, ठीक है, यूनिट डिजिट सेम है, तो 3 और 4 टेंथ डिजिट में आ जाओ, टेंथ, TENTHS, ठीक है। डेसिमल के बाद वालों में यूनिट से चालू नहीं करती, ये होता है टेंथ, ये होता है हंड्रेड, ये फिर उसके आगे थाउजेंड, 10,000, ऐसे आते हैं। सो टेंथ डिजिट दोनों का अलग अलग है, इसका 3 है, इसका 4 है, बस इतना ही देखना है। 1 के बाद जिसका बड़ा डिजिट आ गया वो बड़ा हो जाएगा। देखो 1.40 बड़ा होगा 1.30 से, तो 1.49 भी बड़ा होगा 1.37 से, ये डिजिट देखना होता है हमेशा, ठीक है। इसमें ये डिजिट जो अलग थे उनको चेक कर लो बस, जो फर्स्ट नंबर पे अलग डिजिट्स आएंगे, जैसे कि यहाँ देखो दोनों का 2 2 सेम है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो आगे कुछ मर्जी आया हो, ये 3 वाला बड़ा हो जाएगा, ये 3 वाला बड़ा हो जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, मैं क्लीन कर देता हूँ तब तक बोर्ड को, ठीक है। मैं तब तक बोर्ड क्लीन करता हूँ, आपको आंसर्स प्रॉपरली दे दूंगा एक साथ सब क्वेश्चंस के। चलो सारा ही क्लीन कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला बड़ा था, सेकंड क्वेश्चन में ये बड़ा था, थर्ड क्वेश्चन में ये, फोर्थ क्वेश्चन में ये, फिफ्थ क्वेश्चन में ये, सिक्स क्वेश्चन में 0.8 और 0.88। सर आगे डिजिट ही नहीं है, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट देम। बच्चों जब जब डिजिट नहीं आ रहा हो ना, डेसिमल के बाद जीरो लगा दो, यू कैन ऑलवेज पुट अ जीरो हियर। कैसे, क्या मतलब है इसका, देखो अगर मैं 0.80 लिखूँ तो ये 80/100 होगा, डेसिमल हटा के 2 जीरो नीचे जाते हैं। अगर मैं 0.8 लिखूँ तो वो 8/10 लिखा जाएगा, इसके जीरो से ये जीरो कट कर दो, क्या ये वापस से 8/10 ही आ गया। तो मतलब कि डेसिमल में इंटीजर के बाद कितने मर्जी जीरो लगा दो, सेम रहती है वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.8 को आई कैन राइट 0.80, ठीक है, 0.80 और 0.88, इसमें कंपेयर करोगे तो ये वाला बड़ा है, क्योंकि इसका हंड्रेड डिजिट जीरो है, इसका 88 है, ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। एक्सप्रेस यूजिंग, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये टिक तो रह गया हमारा। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स, देखो 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपये होंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं 100 से। अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो ऐसे देख लो, 100 पैसे में 1 रुपया होता है, 1 पैसे में 1/100 रुपीज होंगे, मतलब कि 0.01 रुपीज होंगे 1 पैसे के अंदर। तो अब जितने पैसे यहाँ पे आएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 7 पैसे, तो 0.01 × 7 रुपीज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.07 रुपीज। जितना ऊपर यूनिटरी मेथड से अगर इतना आया, तो यहाँ से कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे निकलता है 0.07, डेसिमल के डेसिमल भी आ गए, 7 रुपीज 7 पैसे, 7 रुपीज में होते हैं 700 पैसे एंड प्लस 7 पैसे। देखो 1 रुपये में 100 होते हैं, तो 7 रुपी में 700 पैसे, 7 अलग, 707 पैसे कितने रुपीज बनेंगे, ये देखो ये रहा 1 पैसे, 0.01, 707 पैसे, तो वही ये हो गया 7.07 रुपीज, ठीक है। लॉजिकल भी है, 7 रुपीज प्लस 7 पैसे का 0.07 था, ऐड करोगे तो 7.07 रुपीज आना चाहिए था आंसर वैसे भी, ठीक है। ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये लो इसके आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं। आंसर लिखने की ज़रूरत है क्या,
यहाँ लिखते हैं आंसर 7.07 रुपीज फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का 7.07 रुपीज, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन निकालोगे तो 77 रुपीज कंप्लीटली, और 77 पैसे का क्या करोगे 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे, 77 को आएगा 0.77 रुपीज। ये रहा 0.77 रुपीज। ऐड आपको करना आता है, ये डेसिमल के पहले के नंबर्स हैं, ये डेसिमल के बाद के हैं। आप 77 को 77.0 भी लिख सकते हो, डेसिमल के आगे जीरो लगाने की कोई दिक्कत नहीं होती, तो डेसिमल लगा के जीरो लगा दो, ठीक है। तो 77.77 रुपीज थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। 50 पैसे, यू डायरेक्टली नो 50 पैसे कितना होगा, 100 रुपीज। नहीं सर, ये क्या लिख दिया, 100 रुपीज कैसे होगा बच्चों, 0.5 रुपीज, ठीक है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे में 1 रुपए होता है, तो आधे पैसों में आधे रुपए हो जाएंगे, 50 पैसे में 0.5 रुपीज हो जाएंगे। 235 पैसे मल्टीप्लाई कर लो 0.01 रुपीज से, या फिर 100 से डिवाइड कर लो, रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात तो बराबर ही है ना, 0.01 या फिर 1/100, 100th पोजीशन है। तो 5th पोजीशन का आंसर हो जाएगा, 5th क्वेश्चन का 2.37 रुपीस। एंड द सेकंड क्वेश्चन हियर बाय इज कंप्लीट, वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर्स इन मीटर्स एंड किलोमीटर। देखो कुछ नहीं करना होता, 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर्स। अरे सर क्या लिखते हो यार, आप गलत क्यों करते हो बार बार, ठीक है सॉरी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर में 5/100 मीटर। 1 का 1, 5 का 5, क्या बना 0.05 मीटर्स। तो मीटर में वैल्यू आई 0.05 मीटर्स, ठीक है। अब 1000 मीटर्स में 1 किलोमीटर होता है, 1 मीटर में कितना होता है 1/1000 किलोमीटर्स, 0.05 मीटर में कितना आएगा 0.05 × 1/1000 किलोमीटर्स। एंड डिवाइड करने का रूल तो हमें पता है, जब भी डिवाइड करते हो डेसिमल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, तो 0.05 में 1 शिफ्ट हुआ डेसिमल, 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट। सर यहाँ कुछ है ही नहीं, जस्ट पुट जीरोस हियर और जहाँ डेसिमल आया वहाँ लगा दो एस। आंसर क्या आएगा 0.00005 किलोमीटर्स, ठीक है। 5 सेंटीमीटर और ये सेम लिखे थे तो मैंने मीटर्स में यूज कर लिया, आप सेंटीमीटर में जाते किलोमीटर तक तो प्रॉब्लम लगती, थोड़ी सी डाउट होता कि सर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, फिर कितना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो, क्या जरूरत है इसकी, है ना। मीटर में आंसर आ गया ना, मीटर से मीटर में यूज कर लो, मीटर से मीटर में यूज कर लो। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। देखते हैं कैसे होगा इस क्वेश्चन का आंसर, अभी देख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके सो सेंटीमीटर को पहले, एमएम को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। वी ऑल नो कि 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 mm कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, इसको आप 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, आपके स्केल पे होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मार्किंग्स होती है, हर मार्किंग होगी 0.1 सेंटीमीटर की या फिर 1 mm की, ऐसा होता है। फिर 35 mm कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/10 × 35 सेंटीमीटर्स, कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर्स हो गया सेंटीमीटर के, ठीक है। नाउ हमें पिछले क्वेश्चन कितना अच्छे से बताया है कि सर 100 सेंटीमीटर क्रिएट 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर क्रिएट 1/100 मीटर, एंड 3/100 क्रिएट्स 1/100 × 3.5। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, डेसिमल 2 चेंज करने हैं, 1 और 2, यहाँ कुछ नहीं था 0 पॉइंट, तो मीटर में आंसर आया 0.035। देखो जिसको समझ नहीं आया, 3.5 × 1/100 कर रहे थे, ठीक है,
दो डेसिमल शिफ्ट करना था लेफ्ट साइड में, वन शिफ्ट किया, टू शिफ्ट किया, यहाँ डेसिमल लग सकता था, यहाँ जीरो, ये डेसिमल यहाँ आ गया, पहले जीरो लगा दो, 0.035 meters. किलोमीटर में करोगे तो क्या आएगा, 1000 meters में 1 kilometer, 1 meter में 1/1000 kilometers, एंड हमारा कितना मीटर है, ये 0.035 meter के अंदर 0.035 × 1/1000. एक, दो, तीन, ये दो खाली जगह में जीरो लगाया, ये लो 0.000035 kilometers होता है हमारा 35 mm, 0.000035 kilometers. देखो एक दो तीन शिफ्ट करने थे, तीन जीरो के कारण तीन जीरो यहाँ लग गए, हो गया आंसर कंप्लीट. थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट, दोनों पार्ट हो गए, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन केजीज. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो 1 kg में 1000 grams, ये पता है, 1 gram में 1/1000 kgs, ये भी पता है, केजी सॉरी, तो 200 grams में 200 × 1/1000 कितना हुआ, 200/1000, दो जीरो से दो जीरो उड़ा दी मैंने, 10 से डिवाइड किया तो हमें अच्छे से पता है 2/10 इज 0.2 kgs, 0.2 kg. इस पार्ट को अगर गायब कर दो तो 3470 grams में कितना हो जाएगा, 3470 × 1/1000, ठीक है, 1/1000 किया तो जीरो से जीरो कटा, 347 डिवाइड में 100 कितना हो जाएगा, 3.47 kg. किसी बच्चे को ये वाला पार्ट नहीं आता है कि कैसे मैं डिवाइड करके इसको पॉइंट्स लिख रहा हूँ, तो प्लीज़ गो टू माय क्लासेस या फिर अनअकैडमी क्लास 7th पे कोई भी टीचर की, आप फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा. पढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, मनन सर पढ़ाते हैं, ज्योति मैम पढ़ाते हैं, गुडलीन मैम पढ़ाते हैं. किसी भी टीचर का आप फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का कोर्स देख लीजिए, आपको बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है. चलो थोड़ा सा नीचे का रब कर देते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करो, तब तक मैं रब रब कर रहा हूँ, और रबिंग कम पड़ जाए, टाइम कम पड़ जाए तो वीडियो पॉज कर लें, ठीक है. चलिए 4 kg एक और 8 gram एक, देखो अब या दो तरीके से कर सकते हो, या तो 4 kg को आप लिख दो 400 grams, फिर उसमें 8 grams ऐड करके लिख दो 4008 grams, और फिर उसको यहाँ लिखो 4008 grams में कितना होगा, 4008 × 1/1000 kgs, ये हो जाएगा 4.008 kgs. एक तरीका हो गया ये. दूसरा तरीका, 4 kg तो होल पड़ा है ना, पड़े रहने दो, 8 gram में कितने kg बनेंगे बच्चों, 8 × 1/1000, देखो 1/1000 तो करना पड़ेगा, 1 gram को 1 kg में कन्वर्ट करने के लिए, ये आ गया 0.008 kgs. 0.008 को हम 4 होल में ऐड करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, चलो इसके लिए तो पूरा रब करना पड़ेगा मेरे को, जिसको नहीं दिखा कुछ लिखना रह गया पीछे करो थोड़ी सी वीडियो एंड पॉज कर लो, ठीक है, आप लिख पाओगे इजीली. चलिए एक सेकेंड ना, आंसर राइट कर दूं सारे में. चलो 2598 मिलीग्राम. मिलीग्राम में क्या होता है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन आता होगा मिलीग्राम में क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो अभी के अभी, मुझे आंसर देखने चाहिए कमेंट बॉक्स में थोड़ी देर में, ठीक है, जब वीडियो एंड होगी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देखना, जिसका गलत होगा मैं खुद कमेंट करके वहां सही आंसर लिखूंगा, ठीक है, मैं खुद सही आंसर लिखूंगा वहां पर. चलो अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, देखो ये डेसिमल, ये हो गई हमारी टेंस डिजिट, 2 × 10 प्लस ये वाली होगी वंस डिजिट, 0 × 1, वंस डिजिट में 1, 10 डिजिट में 10, फिर प्लस डेसिमल नहीं लगाते हम, ये जो 0 है ना ये है 10th डिजिट लगा दो, एंड 3 जो है वो है हमारा 100th. ये होगी फर्स्ट क्वेश्चन की हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म. इसके अलावा 2 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100,
बताओ ये कौन से पार्ट की है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, कमेंट करो एक्सपेंडेड फॉर्म कौन से पार्ट की है ये। ठीक है, ये वाली मैंने लिखी है इस पार्ट की, ये है सेकंड पार्ट की, 2 into 1 by 10 प्लस 0 into, सॉरी ये गलत लिख दी मैंने, ये वाली गलत हो गई, इतना सा गायब कर देता है, 2 into 1 प्लस 0 into 1 by 10 प्लस 3 into 1 by 100 प्लस 4 into 1 by 1000, ये वाली है फोर्थ पार्ट की, थर्ड पार्ट की आप इजीली निकाल पाएंगे, पर चलो मैं करा ही देता हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रॉमिस किया था, 2 into 100 प्लस 0 into 10 प्लस 0 into 1 प्लस 0 into 1 by 10 प्लस 3 into 1 by 100, कैसे लिखा सर? सर ये रही हंड्रेड्स पोजीशन तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये रही टेंस पोजीशन ये 10 से मल्टीप्लाई होगी, ये वंस पोजीशन 1 से मल्टीप्लाई, ये डेसिमल के बाद है तो 10th पोजीशन होगी, 10th पोजीशन मतलब 1 by 10 एंड 3 है 100th पोजीशन पे, 1 by 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गए सारे क्वेश्चन, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, फिफ्थ पार्ट कंप्लीट, सिक्स्थ क्वेश्चन, सो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो डेसिमल के पहले क्या आती है, यूनिट डिजिट, डेसिमल के यूनिट के बाद क्या आती है, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट के बाद ये डेसिमल के बाद क्या आता है, ये आता है टेंथ डिजिट। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट के आंसर आप लिखो, मैं पानी पी लूं तब तक, और आप लोग वीडियो पॉज कर लेना। सेकेंड है, पानी गिर गया थोड़ा। ओके, 9.42 में ये कौन सी पोजीशन है, डेसिमल के बाद टेंथ और फिर हंड्रेड, तो ये हो गई हंड्रेड पोजीशन, और ये वाली कौन सी हो गई फिफ्थ पार्ट में, टेंथ हंड्रेड, ये हो गई थाउजेंड पोजीशन। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा प्लीज सेंड मी द डाउट्स आपके। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउट कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन में डाउट रह गया, आई विल सॉल्व देम इन द नेक्स्ट क्लास या फिर स्पेशल क्लासेस के अंदर। ओके, चलो, दिनेश वेंट टू अ प्लेस, ठीक है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, फ्रॉम देयर प्लेस सी पे गया। ठीक है, ए इज 7.5 किलोमीटर्स फ्रॉम बी, ये लो ए बी की लेंथ आ गई 7.5 किलोमीटर्स, बी से सी की लेंथ आ गई हमारी 12.7 किलोमीटर्स, दे रखे क्वेश्चन के अंदर, आई यू वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी, डी से वो गया सी, तो ए डी की लेंथ कितनी हुई है, दी हुई है डी से ए इज 9.3 किलोमीटर्स एंड डी से सी कितना हुआ, इट विल बी 11.8 किलोमीटर्स, हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच, ये है हमारा आयुब और ये है हमारा दिनेश। क्या करना होगा, ए से बी जाके बी से सी गया तो इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे 7 और 5, देखो डेसिमल के बाद सेम टाइप ऑफ डिजिट्स ऐड करने हैं, लाइक ये है टेंथ डिजिट दोनों, तो 7 और 5 होता 12, 1 कैरी आएगी, फिर दोनों के वन डिजिट ऐड करो 7 और 2 9 और एक कैरी का 10, तो ये डेसिमल एज इट इज 10 ये हुआ था, कैरी 1 आ गई इस वाले टेंथ डिजिट के लिए, टेंथ डिजिट के लिए यहाँ पे टेंथ डिजिट 0 था ही नहीं, मतलब 1 और 1 2, तो ये 20.2 किलोमीटर चल के गया। वापस से बता रहा हूँ एक बार और, एक दूसरे के नीचे सेम सेम टाइप के लेटर्स लिखो, सेम सेम टाइप के नंबर्स लिखो, लाइक ये टेंथ था तो इसे टेंथ लिखो, फिर डेसिमल, फिर वंस और फिर ये हो गया टेंस, तो 7 और 5 12 होता है, 1 कैरी, 7 और 2 9 और एक 10, डेसिमल लगा दो 0 0 मतलब 10 का 0, 1 और 1 2, इतने किलोमीटर चल के गया हमारा दिनेश बाबू, ये कितने चल के गया है सर, 9.3 एंड 11.8। सर डेसिमल के नीचे डेसिमल भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, वरना नीचे डेसिमल नहीं लगा पाओगे, गलती हो जाएगी, 8 और 3 हो गए 11, डेसिमल लगाया और 11 का 1 कैरी के अंदर, 9 और 1 10 और एक 11, ये लो 11, 1 और 1 2, तो भाई आयुब चला 21.1 किलोमीटर, दिनेश चला 20.2 किलोमीटर, तो भाई हु ट्रेवल्ड मोर,
आयुब ट्रेवल्ड मोर, इसके अलावा कितना ज्यादा, तो 21.1 में 20.2 माइनस करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन भी आपको सिखा रखा है मैंने, क्या होता है डेसिमल्स का, 1 में से 2 माइनस गए, सर नहीं हो रहा तो बोरो ले लो, इस 1 से बोरो लिया तो कितना बन गया ये 11, 11 माइनस 2 होता है 9, डेसिमल लगा दो, ये वाला 1 हो गया 0। अब 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, इतने किलोमीटर्स मतलब 0.9 किलोमीटर्स वो ज्यादा चला है आयुब। ठीक है, 0.09 कुछ नहीं लिखना होता, डेसिमल से पहले जितने जीरो होते हैं ना उनको उड़ा दिया करो, 0.9 इज इनफ। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन इज हियर बाय डन। एट्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम्स ऑफ एप्पल्स। देखो डायरेक्टली करेंगे इस क्वेश्चन को, 300 ग्राम्स कितने केजी हो जाएंगे, आप सॉल्व करोगे जब तो आपको पता चलेगा ये 0.3 kg होते हैं। ठीक है, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg, 300 ग्राम्स इज इक्वल टू 300/1000 kg। 2020 गए, 0.3 kg आंसर आया, ये डिवाइड में 10 था। सो श्यामा बॉट 5.3 kg ऑफ एप्पल्स, 3.25 kg ऑफ मैंगोज, इसको भी यूनिटरी मेथड से करो तो 0.25 kg आएगा। सरला बॉट 4.8 kg ऑफ ऑरेंजेस एंड 4.15 kg ऑफ बनानास, हु बॉट मोर फ्रूट्स। तो भाई श्यामा क्या अलग ऐड कर दो क्या सर जी, 5.3 प्लस 3.25, देखो सर डेसिमल किन से डेसिमल लिखा, यूनिट डिजिट सेम जगह पे, टेंथ डिजिट सेम जगह पे, हंड्रेड डिजिट सेम जगह पे, तो यहाँ पे जीरो लगा सकते हो आप, ये हो गया 5, 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो भाई श्यामा ने खरीदे इतने केजी ऑफ फ्रूट्स, सरला ने कितने लिए, 4.8 एंड 4.15, 5 का 5 आ गया, देखो जीरो लगा दो पहले, 4 एंड 1 इज 8 एंड 1 इज 9, डेसिमल का डेसिमल 4 और 4 इज 8 kg। 8.95 और 8.55 में डिफरेंस क्या आएगा सर, यूनिट डिजिट सेम है, हंड्रेड टेंथ डिजिट सेम नहीं है, 9 बड़ा होता है, तो भाई हमारी सरला बॉट मोर फ्रूट्स। ठीक है, सरला ने ज्यादा फ्रूट खरीदे। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर्स देन 42.6 किलोमीटर, 42.6 ज्यादा है, 28 माइनस करो। सर मैं यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, बेटा डेसिमल चाहिए था, डेसिमल के आगे लिखने के लिए डेसिमल ही नहीं है, तो ये 8 इज द यूनिट डिजिट एंड 2 इज द यूनिट डिजिट, यूनिट यूनिट सेम जगह आने चाहिए, तो जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो सर 0.6 एज इट इज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, 2 में से 8 नहीं जा सकता, आई विल टेक 1 बोरो, बन गया 12, 12 में से 8 गए 4, 1 बोरो लेने से ये 3 बच गया, 3 माइनस 2 हो गया 1, 1 बोरो लेने से 3 बच गया, 3 माइनस 2 हो गया 1, 14.6 किलोमीटर्स कम है। ठीक है, 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6। नाउ बच्चों ये हमने एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, खान अकेडमी के आप इंस्टॉल करना और प्लान्स का बता देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज 2.6 और 2.7 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो एक सेकेंड दो। सो बच्चों खान अकेडमी की ऐप इंस्टॉल करने के लिए यू हैव टू गो टू द गूगल प्ले स्टोर और द ऐप स्टोर ऑफ एप्पल, वहां जाएंगे, खान अकेडमी की लर्निंग ऐप मिल जाएगी, जस्ट इंस्टॉल इट। इंस्टॉल करने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा मोबाइल नंबर से, यू कैन क्रिएट योर अकाउंट एंड यू कैन सेलेक्ट द गोल। आपने गोल सेलेक्ट किया, इफ यू आर इन द क्लास 7 देन 7th इज योर गोल, आप 8th में है तो 8th इज योर गोल। ठीक है, आपको खान अकेडमी ऑफर करता है प्लस सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट फीचर है उसका इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे, एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF मिलेगी। ये 4 फीचर खान अकेडमी ऑफर करता है आपको, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए मन एंड 10 के कोर्स से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक सेकेंड ऑफ खान अकेडमी सब्सक्रिप्शन है, जिसमें खान अकेडमी आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स ऑफर करता है, प्लस आपको पर्सनल मेंटर दिया जाता है एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन दिए जाते हैं,
ऑल विद द कोड ऑफ मनन 10 आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मनन 10 के कोड से आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइस है 2 ईयर कोर्सेज ऑफ 25,000 एंड 1 ईयर कोर्सेज ऑफ 15,000 इफ यू यूज द कोड मनन 10 ऑन इट। रेफरल कोड का ऑप्शन आता है, इफ यू यूज द कोड मनन 10 देन आपको 2 ईयर कोर्स पड़ जाएगा 10% ऑफ के अंदर, इंस्टेंट 10% ऑफ है। ये कोर्स हो जाएगा आपका 22,500 रुपीज का एंड 1 ईयर कोर्स बन जाएगा आपका 13,500 का। दिस इज एज लो एज इट गेट्स बच्चों, 938 रुपीज अ मंथ फॉर 24 मंथ्स, 2 सालों के लिए इज नॉट अ बिग अमाउंट। आपका 6 से लेके क्लास 12 तक सब कुछ एक साथ कवर हो रहा है, ठीक है, 6 से लेके क्लास 8 12 तक का सब कुछ एक साथ कवर हो रहा है। यस, कंप्लीट कोर्स में मिलता है आपको ये। आपने 2 ईयर कोर्स लिया तो 6 से लेके 12 तक कुछ भी एक्सेस कर सकते हो आप, ओके। चलिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है बच्चों, 2 ईयर कोर्सेज ऑफ 48,000 एंड 28,000, 1 ईयर का कोर्स है आपका। अगर यहाँ पे भी आप मनन 10 का कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट इट इन द 43,200 एंड 25,200, 1 ईयर का कोर्स और 2 ईयर का कोर्स। 1,800 रुपीज अ मंथ में आपको सारे फीचर्स मिल गए, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ कोर्सेस, पर्सनल मेंटोर हर सब्जेक्ट के लिए, उसके अलावा लाइव डाउट सॉल्यूशन क्लासेस सब मिल गया, और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सारा मटेरियल मिल गया आपको इतने से 1,800 रुपीज अ मंथ में। टू कंसिडर इट बाइंग एंड जब भी आपको डिस्काउंट चाहिए मन एंड 10 का कोड यूज कर सकते हो आप। इसके अलावा अन अकेडमी ऑफर्स यू फ्री स्पेशल क्लासेस एंड द फ्री टेस्ट सीरीज। कैसे करोगे, अन अकेडमी के ऐप में कहीं भी कोड एंटर करने का ऑप्शन आए तो ये मन एंड 10 एंटर कर देना, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स मिल जाएंगे फ्री के अंदर, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 2.6 और 2.7 बाद में करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी आपको। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए हमारा एंड हमारे यूट्यूब क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्रिप्शन का लिंक आ रहा होगा, सब्सक्राइब का रेड कलर का लिंक आ रहा होगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी मिस ना करें, कोई भी क्लास मिस ना करें, ओके। मैं चलता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ एक्सरसाइज 2.6 और 2.7 लेके। बाय बाय।